हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो आज हमने सोचा कि हमारा रिकॉर्डिंग का शेड्यूल है, बबलू जी, रश्मि जी आ रहे हैं अपने, बबलू जी वैसे कौन सा गाँव है, पीपाड़ सिटी से आ रहे हैं, और रश्मि जी उनके साथ ही है। तो आज मुकेश जी अपने बालाजी स्टूडियो, वहाँ हमारा रिकॉर्डिंग का शेड्यूल है, और हम मेरा और निमी जी का चैनल का है ना, ओम निम ओबिसल और निमी चौधरी का रिकॉर्डिंग का शेड्यूल है। तो मैडम ने कहा मैं ही चलूँगी साथ में, तो मैंने कहा ठीक है चलो, पहले लगा रहे हैं, लगा लो अच्छे से। मैंने नहीं कहा, हमने कहा चलने को। हाँ मैंने कहा, एकदम बबलू जी ने बोला कि निमी जी को लाना साथ में, पहली बार हाँ फर्स्ट मुलाकात हो रही है। मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा साथ में, तभी इनको ले जा रहे, एकदम से तैयार होंगे है ना। कल या परसों हमको शेड्यूल पे निकलना है वापस रूट पे, तो जाते हैं बबलू जी से मिलवाते हैं, रश्मि जी से, मुकेश जी का स्टूडियो कैसे, रिकॉर्डिंग का शेड्यूल होता है कैसे नहीं होता है, सारी डिटेल्स। हाँ इस बार रिकॉर्डिंग का शेड्यूल देखिए आप, बहुत अच्छी से रिकॉर्डिंग, बहुत मस्ती होने वाली है, कैसे किस तरह से हमारे गाने रिकॉर्ड होते हैं फिर हम शूट करते हैं उस गानों को। तो रिकॉर्ड कैसे होते हैं, शूट तो आपने सबने देखा होगा पर रिकॉर्ड का नहीं देखा, तो रिकॉर्डिंग का शेड्यूल आप हम आज बताते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ भैया। हाँ मैडम भी फर्स्ट टाइम चल रहे हैं, मैं तो कभी वहाँ समझती हूँ, मैं तो जाता हूँ क्योंकि मेरे बिना वो मतलब सही से वैसे हो जाता है, पर वो एक दो सॉन्ग पीछे उपनी से हो जाते हैं तो फिर वो भी करवाना पड़ता है, जिनके सॉन्ग में होने रहना पड़ता है बिल्कुल। तो चलते हैं, बबलू जी वहाँ वेट कर रहे हैं, चलते हैं, मैडम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चले। तो गाइस अभी हम ने नारियल का पानी पी लिया है, तो देखो मैडम पी रहे हैं दो दो नारियल एक साथ में, क्योंकि 100 के 3 आते हैं ना, तो इसलिए दो ये पीते हैं एक मैं पीता हूँ। पी लो आराम से पी लो, कहाँ फोन ना होगा ओके भैया, लो लो ठीक है चलते। ये मिठाई लो भैया चलते तो गाइज ये कुछ मतलब इस तरीके से होती है रिकॉर्डिंग। मैं एक्चुअली ऑडियो नहीं रख सकती बिकॉज ऑडियो बाद में आएंगे तब आप सुनना, पहले मैं नहीं लगा सकती, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस बंद कर रही हूँ। और मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था कैसे करते रिकॉर्डिंग, इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, मतलब हद से ज़्यादा, अच्छे बताऊँ मेहनत लगती है इसमें भी। और यहाँ पे रश्मि जी और बबलू जी दोनों हैं, एंड मुकेश जी है जो म्यूजिक देते हैं, और ये सिंगिंग करते हैं, ओके जी भी वैसे सिंगिंग करते हैं बट आज ये दोनों सिंगिंग कर रहे हैं, और म्यूजिक वगैरह ट्रैक वगैरह सब मुकेश जी के स्टूडियो, मतलब मुकेश जी के स्टूडियो में ही है रिकॉर्डिंग का शेड्यूल। तो सॉन्ग आएगा तब आप ज़रूर सुनना, ये मैं व्लॉग में भी डालूंगी जब वो सॉन्ग आएगी जो आज की रिकॉर्डिंग वाले, तो आप ज़रूर देख। कौन सा? तो हमारे रिकॉर्डिंग सॉन्ग हो गए कंप्लीट, और अभी वापस जा रहे हैं, और साथ में है रश्मि जी जो Hello. आप सभी कमेंट करते होगे, ये है सिंगर रश्मि जी, मतलब रश्मि निसाद, जिनके ज्यादातर सॉन्ग आते हैं हमारे चैनल पे, इन्हीं के ही सॉन्ग आते हैं, कमेंट करते हैं काफी लोग इसलिए सबका प्यार है। मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ आपसे बहुत बहुत मिलके आप लोग से अच्छा लगा, हमें भी काम करो आप अच्छे से, ऐसे आगे बढ़ते रहो और आप भी सिंगिंग करते रहो ताकि हम आगे बढ़ पाए। बिल्कुल आप अच्छे करते हो तो हम भी एक्टिंग अच्छे दिखते हैं। सही बोल रहा हूँ, जैसे आप अच्छे गाओगे तो निमी जी उसमें अच्छे दिखेंगे वीडियो में, वास्तव में कई के लोगों को पता नहीं है निमी जी खुद ही गाते हैं, करनी होती है अभी इनको आगे काम है सरदारपुरा, क्या सरदारपुरा सरदारपुर क्या उत्सव है ना, वहाँ पे जामिंग है, मतलब शो के लिए जामिंग है। अच्छा हाँ, तो उन्हें वहाँ पे ड्रॉप करना है, फिर मुझे रूम पे भी।
नहीं तो आप किस में फिर वो रेपिडो करना पड़ता इसलिए फाइनली रश्मि जी से मिलना हो गया है बिल्कुल अब अच्छे यूं ही गाते रहे आप भी यूं ही एक्टिंग करते रहे अच्छे से थैंक यू बिल्कुल करेंगे अच्छे से ठीक है अभी निकलते हैं सरदारपुरा तो हमने रश्मि जी को अभी ड्रॉप कर दिया उनकी लोकेशन पे और अभी प्लान बना रहे हैं कि बाहर जाते हैं कहीं पे खाना खाने के लिए एक्चुअली ओम साहब से मेरी अब तक बर्थडे वाली पार्टी बाकी है याद है बिल्कुल याद है याद है ना बिल्कुल देंगे आज पार्टी आपको एसी बंद कर दो क्योंकि वो आवाज़ आती है इसमें माइक में तो पार्टी बाकी है इसलिए हमने कहा आज पार्टी दो हमें तो दिनसा भी कब से बोल रहे हैं और मैं भी कब से बोल रही हूँ तो फिर मैंने दिनसा को कॉल किया कि आज पार्टी लेते हैं इनसे अभी दिनसा को कॉल किया है वो फ्री है वैसे तो अभी मैं एक कैफे गई थी मैं कमला दीदी ये मोनू लोग बनाया था हमने उस दिन नहीं बनाया आई थिंक बनाया तो भी याद नहीं तो वो मुझे पसंद आई लोकेशन तो मुझे अभी वहाँ जाना है तो मैंने कहा वो ठीक है तो अभी लोकेशन मांगी मैं भूल गई एक्चुअली तो लोकेशन दे रहे हैं कोई भैया तो उसके बाद में फिर वहाँ पे जाते हैं ना खुश हो ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती लेके जा रहे हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार कितने लोग डरते हैं पार्टी से यार कुल मिला के खड़ूस लोग नहीं डरता है अरे यार आज गाने रिकॉर्ड हुए हैं खुशी से रहो ना ये जल्दी आज चैनल पे आएंगे बस ये सोच के बिल्कुल जल्दी आएंगे अभी तक रिकॉर्ड हुए ओनली रिकॉर्ड हुए बन के पता नहीं कब आएंगे उसके बाद शूट करेंगे उसके बाद एडिट करेंगे वीडियो उसके बाद चैनल पे डालेंगे वैसे मुक्सा दे देंगे आई थिंक जल्दी ना दे देंगे मुकेश जी वैसे टाइम पे अभी दे देंगे तो अभी गाने बज रहे हैं कॉपीराइट भी आ सकता है तो मैं फटाफट बोल देती हूँ अभी हम आए हैं यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे आ चुके हैं और दिनेश जी भी आ चुके हैं हमें इसलिए लोकेशन अच्छी लगती है क्योंकि पूरी खुली खुली लोकेशन है ऊपर से पूरा वो अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पे दो बार आ चुकी तीसरी बार आ जाई हूँ लोकेशन बताती हूँ ये देखो प्यारी लोकेशन है मतलब ऊपर से पूरा यूँ वैसे खुला खुला है ना अच्छी लोकेशन हम काफी टाइम बाद बाहर आए हैं कहीं पे हम जाते नहीं है कहीं ज़्यादा शूटिंग के अलावा कहीं जाते भी नहीं आज इनको खड़ूस लोग को मैंने और दिनेश जी ने कितने दिन हुए बोल बोल के वैसे दिनेश जी ने आपको पता है दिनेश जी ने और इन्होंने बर्थडे पार्टी कर ली वो दिनेश जी की तरफ से थी कितने केक कट किए थे उससे वो उससे याद नहीं आपको कौन जी को ऑफिस गए थे आप वीडियो एडिटिंग के लिए उसके बाद आप गए थे वो मेरे को लेने आ गए थे कितने केक कट किए थे दो केक कट किए थे 5-6 पिज्जा मंगाए थे जबरदस्त निम्मी के बिना इन लोगों ने पार्टी की थी अरे क्या करूँ तो मेरे को पता ही नहीं था वो एकदम आ गए वो नीचे आना लगे नीचे चल गाड़ी के अंदर और यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी चल रही है आज निमी बर्थडे ओम से बर्थडे पार्टी बाकी मना रही है ठीक है ओम से दे रही है पार्टी बात निकाल लव यू लव यू टू बेबी